बिगड़ी सियासत सत्ता का शॉर्टकट। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कैसे पार होगी नैया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। खर्चा रुपया। सत्ता का स्वार्थ, इसलिए मुफ्त खोर सियासत। ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। रेवड़ी की लड़ाई, कुनीति या समाधान स्थाई। दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है, वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री की स्ट्राइक। ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। अब की बार रेवड़ी कल्चर पर वार। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लिए 75,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन नेताओं और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा जो जनता से मुफ्त की योजनाओं का वादा कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। मोदी ने न सिर्फ केवल मुफ्तखोर सियासत यानी कि रेवड़ी कल्चर पर तीखा हमला किया, बल्कि ये भी दावा किया है कि क्यों रेवड़ी कल्चर देश को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। मोदी ने अपने दावों के समर्थन में लॉजिक के साथ दलीलें दी। क्या वो दलीलें और कैसे रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये दिल्ली में फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है बीजेपी वालों ने। वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। रविवार को नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई से नागपुर के बीच समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यही नहीं, नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। यानी प्रधानमंत्री के लिए मौका भी था, दस्तूर भी था। इसका पूरा फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर सत्ता की सीढ़ी का शॉर्टकट बन गया है। ऐसे राजनीतिक दल टैक्स पेयर्स यानी करदाताओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लूटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को
लुटा देने की, शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जनता की भलाई के लिए नहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी कल्चर शॉर्टकट रास्ता है, देश के विकास के लिए लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। रेवड़ी कल्चर को शॉर्टकट बताने के लिए प्रधानमंत्री ने दलीलें भी दी। प्रधानमंत्री ने कई देशों के उदाहरण दिए जिन्होंने शॉर्टकट नहीं लॉन्ग टर्म नीतियों को अपनाया और आज वो अमीर और समृद्ध देश बन गए हैं। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था, फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त की योजनाओं को कुनीति बताया और कहा कि आमदनी से ज्यादा खर्चा करना अर्थव्यवस्था को खोखला करना है। टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे
इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की कि उन्हें तय करना है कि वो कुनीति और देश हित में किसे चुनेंगे। एक और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद पहली बार उन्होंने मुफ्तखोर राजनीति के खिलाफ इतना बड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।